हेलो बच्चों क्या हाल चाल फर्स्ट क्लास तो चलिए बेटा आज के टॉपिक में मैं लेने जा रहा हूँ करेंट इलेक्ट्रिसिटी यह क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है बेटा क्लास ट्वेल्थ करेंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज तो आइए चलिए शुरू हैं बेटा मीटर ब्रिज कंसेप्ट मेकर लेक्चर फॉर नीट दो हज़ार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आई आई टी 26 दो हज़ार पच्चीस छब्बीस के लिए और बेटा तो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है हम लोगों का मीटर ब्रिज यह क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का पार्ट है बेटा तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पी हंड्रेड फिजिक्स मैं एसडी डी पांडे एस डी पी सर चलो बेटा तो मैं इसके पूरे पहले पूरा डिटेल आपको थ्योरी समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द मीटर ब्रिज और फिर इसके साथ ही साथ बेटा चार पाँच न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट ले रहा हूं कि कैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को शुरू किया जाता है तो और बेटा स्टार्ट करते हैं नंबर वन पहला पॉइंट है बेटा यस बेटा तो आप क्या करिएगा नोट्स बनाते जाएगा बेटा पूरा फर्स्ट क्लास का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा बेटा और शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा नोट्स बनाइएगा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते जाइएगा ठीक बेटा चलिए तो मीटर ब्रिज पहली बात तो यह बेटा कि मीटर व्हाट डू यू मीन बाय द मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज होता ही क्या है ना सबसे पहला पॉइंट बेटा कि मीटर ब्रिज होता ही क्या है क्या है किस सिद्धांत पर मीटर ब्रिज काम करता है ये होता कैसा है ये बना कैसा है चलिए बेटा तो पहला पॉइंट नोट द पॉइंट कि मीटर ब्रिज इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज बेटा एक सिंपल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो मीटर ब्रिज सिंपल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा ये सिंपल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है टू तो बी और इसका काम क्या करता है बेटा यह इसका काम है टू तो मेजर द अननोन रजिस्टेंस यानी कि यह हमेशा ना बेटा इसका काम है कहीं पर भी अज्ञात प्रतिरोध का मान बताना मीन्स बाई द दिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यू कैन यू कैन मेजर एनी अनोन रजिस्टेंस ऑफ एनी वायर आप बहुत आसानी से बेटा बहुत ही आसानी से आप मेजर कर सकते हैं इट इज वेरी सेंसिटिव यानी कि यह या बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है यदि हम ओम सर ला सर के निकालें किसी भी रजिस्टेंस का बेटा तो वहां पर उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता इसलिए इसे क्या बोलते इट इज द वेरी सेंसिटिव लाइक पोटेंशियोमीटर जैसे पोटेंशियोमीटर एक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल नापने का मेजरमेंट करने का तरीका बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना ठीक वैसे ही यह भी क्यों रीजन क्या है कि बिकॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्योंकि यह भी किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा बिकॉज इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ना जीरो डिफ्लेक्शन मीथेड ये देखो बेटा ये शब्द क्या है जीरो डिफ्लेक्शन मीथेड देयर फॉर यू कैन से नाउ दैट द पोटेंशियल मीटर इज वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल मीजर मीजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन मेजर द बाई विच वी कैन मेजर द रजिस्ट एनी अनोन रजिस्टेंस दिस इज द वेरी एक्यूरेट वेरी सेंसिटिव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जीरो डिफ्लैक्शन मीथड जिसको हम लोग बोलते बेटा नल पॉइंट नल पॉइंट में जीरो डिफ्लेक्शन यानी कि गैलोनोमीटर में बेटा कहीं पर भी डिफ्लैक्शन ना हो रहा हो ना लेफ्ट ना राइट right. तो उसे बोलते ऐसे पोजीशन को क्या बोलते बेटा ऐसे पोजीशन को बोलते हैं ना जीरो डिफ्लेक्शन बोलते हैं बेटा अगला पॉइंट दो पौइंट हो गया बेटा नोट कर लिया आपने मीटर ब्रिज पहला पॉइंट बेटा कि मीटर ब्रिज सिंपल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस पहला पॉइंट नोट कर बेटा दूसरा पॉइंट नोट कर लिए इट इज अ वेरी सेंसिटिव लाइक पोटेंशियोमीटर बिकॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन मिथेड यानी कि नल पॉइंट के सिद्धांत पर ही काम करता है अब नंबर थर्ड लिखो बेटा कि इट इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज देखो बेटा तो अब अभी थोड़ा बहुत है। आप चैप्टर पढ़े होंगे बेटा तो यहाँ पर तैयार होगा अदरवाइज मैं अभी यह पहला टॉपिक अभी लिया हूँ मीटर ब्रिज और मैं पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा तो एक चैप्टर क्लास फर्स्ट का क्लास से फर्स्ट ईयर का क्लास सेकेंड ईयर का दोनों चैप्टर एक साथ पैरेलल चलेंगे डेली दोनों के वीडियोज आएंगे बेटा बिल्कुल सिस्टमैटिक और आ, हर टॉपिक यानी कि हर हेडिंग के वीडियो अलग अलग होंगे बेटा जो आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा चलो बेटा तो इट इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट स्टोन ब्रिज ओके बेटा तो व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि यह या किस किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है ओके बेटा अब यहां पर ट स्टोन ब्रिज क्या होता है तो यदि थोड़ी बहुत आडिया है तो ठीक बेटा अदरवाइज यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है डायग्राम बना लो बेटा नोट कर लो डायग्राम देखिए बेटा आ जाओ तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज तो अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा किचाप्स ला क्या होता है कैसे हम लोग प्रूव करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को अभी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे बेटा यहाँ पर केवल आज का मेरा टॉपिक एक छोटा वीडियो है, है। माँ आज का टॉपिक है बेटा मीटर ब्रिज तो चलो बेटा तो इट इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज अब व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है यह भी तो इसमें फाइव रजिस्टेंस होते हैं इस रजिस्टेंस की का नाम होता है बेटा जो यहाँ पर लगता है ना जो बी और डी के बीच होता है उसका नाम होता है जी यानी कि ये गैलोमीटर का रजिस्टेंस है इसमें जो करंट बह रही होती है बेटा उसमें उसको बोलते हैं आई और यहां पर यह पी और क्यू ये दो बेटा जहां पे ना पी और क्यू बेटा पी और क्यू पी और क्यू को कहते हैं बेटा इसको कहते हैं रेशियो आर्म्स क्या बोलते हैं बेटा रेशियो आर्म बोलते हैं पी और क्यू को और ना यहां पर जो आर है बेटा इसको बोलते हैं नन रजिस्टेंस यानी किसकी वैल्यू पता होती है बेटा नन रजिस्टेंस ए तो गैलोरमीटर का रजिस्टेंस है जी और यहां पर होता बेटा जिसको जिसकी वैल्यू बतानी होती है ना तो उसको हम यहां यही जोड़ते हैं इसको बोलते हैं बेटा अननोन नॉन रजिस्टेंस क्या बोलते हैं बेटा नॉन रेजिस्टेंस तो दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज ओके बेटा अब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है तो ब्रिज बैलेंस जब होता बेटा तो कभी भी जब पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपानस हो जाता है मीन्स की पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपानस मीन्स द रेशियो ऑफ दिस पी एंड क्यू वेन यू आर इक्वल टू आर एंड एस In that situation, the potential of this point and potential of this point becomes equal. And under this situation, when potential becomes equal, then there will be no flow of the current. And then what will happen? So anywhere, whenever P by Q equal to R by S, then V B equal to V D. Therefore भी बी माइनस वी डी विल बी जीरो मीन्स दीज टू पॉइंट्स बी एंड डी विल बी ऑन द सेम पोटेंशियल और जब बेटा देम सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इसमें सेम पर जब कहीं पर जानते बेटा कि दो बिंदुओं के बीच में करंट तभी फ्लो करता है जब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है और यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करेंट फ्लो नहीं करेगी तो चूंकि यह यह और यह दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा बेटा इसलिए ना आई यानी कि गैलोमीटर से होकर के करंट कोई नहीं बहेगी तो यह आई की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई बेटा आई विल बी जीरो जब आई जी जीरो हो जाता है तो ऐसे किसे यदि आई जी, जी जीरो हो गया तो पी बाई के इक्वल टू आर बाई अवश्य होगा और यदि पी बाई के इक्वल टू आर बाई हो गया तो आई जी का मान जीरो अवश्य होगा यानी कि यह या, यह सेटिस्फाई कंडीशन हो रहा है तो यह अपने आप हो जाएगा और यदि ये अपने आप हो रहा है बेटा यदि यह पहले हुआ, तो यह अपने आप हो जाएगा यानी कि डीज टू लाइंस आर द कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ द स्टोन ब्रिज ओके बेटा अब तो यह या इसी यानी कि हमको यहाँ से मिला कि P बाई के इक्वल टू आर बाई यस इज द इज कॉल्ड वेन इट बिकम्स अ शो देन द ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस एंड नाउ नाउ द टॉपिक इज मीटर ब्रिज सिंस सिंस्योर टॉपिक ऑफ द टू डे ऑफ दिस लेक्चर इज मीटर ब्रिज देन व्हाट इज द मीटर ब्रिज एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज तो बेटा तो वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज नाउ फोकस ऑन दिस टॉपिक योर करंट टॉपिक मीटर ब्रिज ओके कम ऑन वर्किंग देखो बेटा यहाँ पर जो ग्रीन कलर की यह बना हुआ बेटा ये जो ग्रीन कलर का यह बना हुआ ना तो आप देख रहे हैं कि यह ग्रीन कलर की जो बना हुआ है बेटा स्ट्रिप तो यह मेटल की स्ट्रिप है बेटा ये मेटल यानी कि कॉपर की स्ट्रिप होती है बेटा दिस इज स्ट्रिप ऑफ द कॉपर कॉपर की पट्टी होती है और ये जो मेटल की स्ट्रिप होती है बेटा तो दिस मेटल स्ट्रिप फिटेड ऑन द वुड लकड़ी के ऊपर इसको फिट किया जाता है बेटा तो ये दिस इज दिटल मेटल स्ट्रिप एंड फिटेड ऑन द वुडन सीट तो जो कि वुडन सीट पर लकड़ी पर बेटा उसको फिट किया जाता है यहाँ पे पेंच लगी होती है बेटा स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर एक यहां पर भी है स्क्रू लगा हुआ बेटा और यह बीच में यहां पर भी मेटल की सीट है बेटा यहां पर भी है और यहां जो खाली जगह है दोनों के बीच में तो इसको बोलते हैं स्लॉट तो इसको बोलते हैं स्लॉट वन और इसको बोलते हैं बेटा स्लॉट टू तो स्लॉट वन स्लॉट टू या लेफ्ट स्लॉट टू लेफ्ट एंड स्लॉट राइट लेफ्ट एंड राइट ओके बेटा तो यह देखो तो यह भी मेटल की स्ट्रिप है यह भी मेटल की स्ट्रिप है और यह भी तो तीन मेटल की स्ट्रिप होती है जिसमें से दो बेटा एल शेप में होती है दो और एक आई शेप में होती है तो एक आई शेप में होती है बेटा और दो एल शेप में होती है मेटल कापर की स्ट्रिप तो है अब बेटा यहाँ पे एक स्क्रू होती है और एक स्क्रू यहां पर है तो यहां पर देखो बेटा कि यह एक मेटल वायर है बेटा यहाँ मीटर ब्रिज होता क्या बेटा तो ये कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज का तो यहाँ पर एक वायर है यह वायर ना बेटा ये वायर दिस वायर इज ऑलवेज मेड ऑफ मैगनीन तो बेटा यह एक मैगनीन मिक्स धातु है मिक्स मेटल बेटा तो यह मैगनीन का बना होता है और मैगनीन का ही क्यों बनाते हैं बेटा इसलिए कि इसका टम्परेचर कोफिशियनट ऑफ रजिस्टेंस बहुत हाई होता है इसका मतलब यह हुआ बेटा कि यदि हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होने से ना इसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो इसके रेजिस्टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए यहाँ पर बेटा तो हमेशा जनरली जो है जहाँ पर हाई लोड होता है जहाँ पर स्लाइडर लगे होते हैं रिहोस्टर वगैरह लगे होते हैं बेटा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो वायर यूज होता है ना तो वह वायर मैगन का यूज किया जाता है तो यहाँ पर भी ये जो वायर बेटा देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट के बीच में ना तो यह हमेशा ही ऑलवेज दिस इज फिक्स कि यह मेटल वायर मेटल क्या लेंगे बेटा मैग्नीन का वायर होता है एक चीज और फिक्स है इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज ऑलवेज टेकन वन मीटर इसकी लंबाई कितनी बेटा वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर ही होता है इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा अब यहाँ पर इस वायर के पास वायर के नीचे ही यानी बेटा जिसपे वायर है ना तो इसी के ऊपर ही तो इसी के या तो या वायर ऊपर रहेगा और यह नीचे रहेगा क्या एक यहाँ पर मीटर स्केल बना होता है तो इस बेटा इस वायर के नीचे ही ना एक मीटर स्केल लगा होता है जिस पर हमको जब बैलेंसिंग लेंथ नापना हो तो हम उसको मीजर कर लें अब जो बेटा ये कहाँ से शुरू होगा जीरो से और कहाँ तक होगा हंड्रेड तक सेंटीमीटर के निशान वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर बेटा वन से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर तक के निशान बने होते हैं और इस वायर के नीचे होता है अच्छा अब इसके बाद बेटा ये सब चीजें क्लियर हो गई अब यहाँ पर बेटा ये नाम हमेशा फिक्स है कि यह ए होता है यह बी होता है ये सी होता है बेटा पॉइंट और यहाँ पर यानी कि सी बेटा सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है यहाँ पर बेटा देखिए यह ए है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है यह बी है और ये पॉइंट बेटा हमेशा फिक्स है कि ये पॉइंट हमेशा डी होता है यानी कि अब इसको क्या बोलते हैं बेटा Osionfish. तो यहाँ पर एक वायर आया होता है जिस वायर में एक गैलवेनोमीटर होता है इस गैल्वेनोमीटर की खासियत होती है इसी खासियत ये होती है बेटा कि जीरो इसका देख रहे हैं ना जीरो हमने दिखाने की कोशिश किया बेटा कि जीरो इसका बीच में होता है इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब जीरो बीच में होगा तो यह बाई डायरेक्शनल होगा यानी बाई डायरेक्शनल मीन्स इसका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बेटा इधर भी होगा और इधर भी होगा यानी कि कभी इधर होगा और कभी इधर होगा जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहाँ से लेकर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो यह इस बात पर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है जब कभी भी इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है बेटा तो वहाँ पर वही पॉइंट जो होता है ना वहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन होता है मीन्स क्या कि यहाँ पर उस समय यहाँ पर ना यह निडिल इस गैलोलोमीटर की निडिल जो होगी सुइज होती है इसकी बेटा निडिल डज नॉट डिफ्लेक्ट तो अब यह कब होगा वेन डिफ्लेक्शन ऑफ द बोथ साइड्स विल बी इक्वल तो जब दोनों साइड के बेटा डिफ्लेक्शन इक्वल होंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हो इसको कहते हैं ना जीरो डिफ्लेक्शन मीथेड तो दिस इज कॉल्ड जीरो मीथेड तो अब अब इसको जो बेटा अभी होता क्या है तो यहाँ से एक वायर आया हुआ है बी पॉइंट से एक गैलोरमीटर लगा हुआ है और गैलोरमीटर में यह वायर बेटा देखो गैलोरमीटर में गया है यानी करंट में रही है और फिर उसका एक एक नुकीला भाग तार यानी कि ओपन तार नंगा तार इन निकला होता है तो उस वायर को आप इस वायर के ऊपर टच कराते हो अभी हाथ में पकड़ गया जे लिखा जॉकी तो जॉकी के बेटा यहाँ यहाँ टच करा सकते हैं यहाँ टच करा सकते हैं मान लीजिए कि यहाँ टच कराए तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था राइट हैंड मान लीजिए कि यहाँ टच कराए बेटा करा तो डिफ्लेक्शन मान लीजिए यहाँ टच कराए तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड हो रहा था इधर निजल जा रही थी यहाँ टच कराए तो मान लो बेटा इधर जा रही थी तो अब ये दोनों पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि डिफ्लेक्शन राइट एक बार है एक बार लेफ्ट है बेटा इसका मतलब कि इनके बीच में कहीं पर हमारा नल पॉइंट होगा अब थोड़ा सा और इधर टच कराया थोड़ा सा इधर टच करा, ऐसे दो तीन बार टच करा के बेटा नल पॉइंट के पोजीशन को पता कर लिया जाता है अब यहाँ पर नल पॉइंट के पोजीशन पता करके यहाँ पर क्या किया निशान लगा दिया और मीटर स्केल की सहायता से देख लिया बेटा कि कहाँ पर मिला है नल पॉइंट तो अब मान लिया इसको इस एल है तो जब यह चूंकि बेटा ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर और इसको आपने मान लिया इस्माल एल इसका मतलब बेटा कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पोर्शन था वो हो गया हंड्रेड माइनस एल हो गया क्यों क्योंकि कम Uh, पूरी कंबाइंड जो लेंथ थी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ 100 सेंटीमीटर थी और जब यहाँ हमारी 20 सेंटीमीटर है तो ये आटोमेटिकली अस्सी सेंटीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर से 20 माइनस कर दे मान लो बेटा ये 30 सेंटीमीटर है तो हियर विल बी दैट इज अर सेवेंटी सेंटीमीटर यह 50 सेंटीमीटर है, तो है तो 50 अपने आप हो गया ये फोर्टी सेंटीमीटर है तो सिक्सटी सेंटीमीटर यानी कि जो भी कुछ इधर मिला है सौ में से माइनस कर देंगे तो राइट हैंड का निकल गया ओके okay, बेटा अच्छा अब प्रिंसिपल ऑफ दिस मीटर ब्रिज इज द स्टोन ब्रिज एंड सिंस यू नो दिस इज पी बेटा अब यहाँ पर ए देखा पॉइंट ना तो ए और बी के बीच में कौन सा रजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो होता है उसको पी कहते हैं fix, यहाँ पर के में जो होता, उसको क्यू बोलते हैं यहाँ पर जो बेटा जो एक रजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है ना तो उसमें से जो वैल्यू पता होती है हम कितना रजिस्टेंस रहे हैं एक ओम निकालना है कि दो निकालना है कि पाँच ओम निकालना है बेटा तो वह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बता रजिस्टेंस लगा होता है जिस प्लग को निकालोगे ना बेटा उतना रजिस्टेंस सर्किट में इनपुट में आ जाती है तो जैसे मान लीजिए पाँच ओम का रजिस्टेंस यानी इसी को हम लोग बढ़ते हैं ना बेटा आर बी करके नाम लिखा गया है अगले फिगर में तो रजिस्ट इसको बोलते हैं रजिस्टेंस बॉक्स इसमें से जो रजिस्टेंस आप निकालोगे बेटा तो जो प्लग आप निकालेंगे मान की ऊपर लिखा होता है ऊपर लिखा रहा था काली रंग का होता है बेटा प्लास्टिक उस पे लिखा रहता है फाइव कि फाइव ओम आर का मान हो गया आपने दस ओम का निकाला बेटा तो टेन ओम हो गया आपने दो ओम का निकाला बेटा तो वहां पर दो हो गया ना बेटा तो जो भी निकालेंगे आप वहाँ रजिस्टेंस हो जाता है बेटा तो यानी कि दिस इज द नॉन रजिस्टेंस यानी किसी वैल्यू पता है और जिस वायर का बताना होता है आपको क्या करते सी और डी के बीच में लगा देते हो अब आ जाओ बेटा तो सी और डी के बीच में लगा बेटा अब हमारे पास में जो सी है तो दिस पॉइंट इज सी यहाँ पे लिखा है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है अब मान लो बेटा ये सी पॉइंट है तो सी और डी और डी कहाँ है बेटा यह यानी कि सी और डी के बीच में आप जो लगा हुआ है बेटा ये डी पॉइंट है तो यानी कि ये क्या लगा हुआ बेटा एस रजिस्टेंस यहाँ पर ये पॉइंट है बेटा यानी कि ये पॉइंट है तो ए और बी के बीच में बेटा क्या लगा हुआ देखिए बेटा अब ए है और यह बी है ए और बी के बीच में लगा हुआ है पी तो बेटा यह भी ए है ना और यह बी है अरे इनके बीच में लगा हुआ है पी यानी कि यह जो बेटा जो एल है ना तो सबको यही है आपका पी और ये क्या बेटा ये है आपका क्यू और ये क्या रेजिस्टेंस बात समय से जो निकाले हो क्या बेटा वो है आर और जिसकी वैल्यू बतानी है बेटा वो है यहाँ पर वो है यस यानी मीटर ब्रिज में व्हाट इज़ द मीटर ब्रिज तो देखो बेटा कि जो ये वायर है यह वायर तो फिक्स है तो बैलेंसिंग लेंथ यानी कि बैलेंसिंग लेंथ का जो सेंटीमीटर आता है एल हमारी जो ये मीजरमेंट आता है वह हमेशा पी की वैल्यू देता है और पी की वैल्यू में कि हमेशा रेशियो आर बनाएगा पी बनाएगा जो हंड्रेड में से पी करोगे वह हमेशा क्यू बनाएगा जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालते बेटा वो आर बनता है और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो यस बनता है तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ओके बेटा अब आ जाइए इसके आगे चलते हैं अब यह हो होगा बेटा तो अब इसके आगे चलते जब ब्रिज बैलेंस होगा ना बेटा तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या करोगे बेटा, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या करिएगा जब ब्रिज बैलेंस होगा बेटा यानी कि हमको क्या पता करना होता है हमको क्या खोजना होता बेटा नल पॉइंट खोजना होता है तो जब ये नल पॉइंट हमको मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो कहेंगे पी वाई की टू आर वाई यस ओके बेटा चलिए अब अब यहाँ पे तो थ्योरी बेटा इतनी ही इसकी थ्योरी है और अब इसी पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए तो हम समझते हैं बेटा कि आप पूरा नोट कर लिए होंगे अच्छी तरह से सब कुछ नोट कर लिया बेटा तो रजिस्टेंस बेटा यहाँ पे लगा हुआ है अननोन रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ बेटा अननोन रजिस्टेंस डायग्राम आप बना चुके होंगे बेटा ब्रिज का कंडीशन क्या है कंडीशन uh, क्या है इसका तो क्या कंडीशन है बेटा इसका कंडीशन क्या है बेटा वही जो हीट स्टोन ब्रिज का है कंडीशन क्या फॉर बैलेंस तो कंडीशन फॉर बैलेंस क्या बेटा P अपान Q इक्वल टू आर अपान यस तो दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ द ब्रिज ओके बेटा चलिए अब हम लेते हैं बेटा यहाँ से आगे अब न्यूमेरिकल से दो चार यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं आपको आइए अब न्यूमेरिकल पे चलते बेटा ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो बेटा क्यों जानते हो कि फिजिक्स में थ्योरी बहुत ही कम होती है बेटा लेकिन थ्योरी का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जब थ्योरी स्ट्रांग होगी तभी न्यूमेरिकल तब तो सॉल्व होगा ना बेटा और सोचने की क्षमता डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करके इधर उधर घुमा के दिया जाएगा और जब पूरा आप जानते रहेंगे कि अच्छा कहाँ पर कौन सा होता है क्या होता है किस में क्या किया जाता है तो आइए हम चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर वन सपोज करिए कि दिस क्वेश्चन इज गिवेन टू यू एंड दिस दिस डाइग्राम इज गिवेन टू यू ओके इन द एग्जाम एंड यस एंड आस्किंग द क्वेश्चन दैट डिटरमाइन द डिटरमाइन द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द गिवेन मीटर ब्रिज दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन तो इट इज आस्किंग द क्वेश्चन दैट डिटरमाइन द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द गिवेन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट

और दे बेटा तो जब ये यहाँ से इतना एल बना दिया डायग्राम में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इधर का क्या हो जा हंड्रेड माइनस एल होगा हंड्रेड में से माइनस कर देना है इसको कुछ सोचना नहीं इसके लिए बेटा अच्छा यहाँ फाइव दिया है और यहाँ पर दो दिया हुआ है जानते बेटा कि ये हमेशा पी होता है और ये हमेशा क्यू होता है ये हमेशा आर होता है और ये हमेशा एस होता है यहाँ पर देखो बेटा दोनों दिया हुआ है ये भी दिया है और ये भी दिया है और ये और ये आ, ये हजरा ये जो है ना इसमें L को आप बताना है यही पूछा L का मान पूछ रहा है बहुत आसान है क्या करोगे बेटा अब देखो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा यह कि यहाँ पर बेटा यह चूँकि यह L है ना और यह 100 सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर लंबाई उसकी फिक्स होती है जानते बेटा तो यदि मान लिया जाए बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सपोज किया कि के, के ग्रेडियंट है का मतलब होता है बेटा कि आज जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है तो वैसे ही एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर का रजिस्टेंस से कितना है तो आप मान सकते हो बेटा कि उसको ग्रेडियंट बोलते हैं यानी सिंपल वे में कहो बेटा कि एक सेंटीमीटर के रजिस्टेंस को मान लिया हमने कि एक सेंटीमीटर का एक ओम है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा अब जब देखना अब मान लो कि इसको के आपने नाम दे दिया के इज द मीनस के इज द रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो जब एक यूनिट लंबाई का रजिस्टेंस के है तो एक सेंटीमीटर का के हो गया बेटा तो अब देखो बेटा तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा नो प्रॉब्लम एल सेंटीमीटर का बेटा एल ओम हो जाएगा और हंड्रेड माइनस एल सेंटीमीटर का हंड्रेड माइनस एल ओम हो जाएगा यानी कि के का मान कितना है वन है जाते हैं बेटा अब पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हम लोग जानते हैं होता है हमेशा तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस पी बाई क्यू का मान कितना बेटा अब पी बाई क्यू की वैल्यू देख लिया है, कितना है वो आर बाई एस के बराबर होगा अब यहाँ पर ना आर दे बेटा ये आर है ये है। तो 2, R S है यानी कि फाइव अपान टू तो फाइव अपान टू देव अपान टू आर बाई एस का मान कितना है फाइव अपान टू और P का मान कितना बेटा तो देखिए अब यहाँ P का मान कितना है P L के बराबर L ओम है और Q कितना है 100 माइनस एल ओम है तो अब देखो देखोटा यहाँ पर R बाई यस yes हो गया और P के स्थान पर L ओम यानी कि यह भी ओम में लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ओम से ओम कैंसिल हो गया बेटा यानी कि एल अपान हंड्रेड एल हो गया अब बस इतना देखो देखोटा बहुत सिंपल सा सवाल है अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व कर दो अब यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसमें तो कितना बन जाएगा बड़ा फाइव हंड्रेड माइनस फाइव एल तो फाइव हंड्रेड माइनस फाइव एल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू एल तो टू एल अब बेटा कितना हो गया है यहाँ पर ये इसको उधर भेज दिया तो सेवन एल हो गया तो एल बराबर फाइव हंड्रेड अपॉइंट सेवन यानी कि सेवनटी वन पॉइंट वन सेंटीमीटर और चूंकि एक सेंटीमीटर बराबर कितना है एक सेंटीमीटर बराबर वन ओम है तो इसलिए पी की वैल्यू कितनी आ गई सेवनटी वन पॉइंट वन ओ मीन्स कि ऑप्शन कौन सा नियरेस्ट है बेटा तो ऑप्शन इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द आंसर 71 सेंटीमीटर दिस इज द आंसर क्लियर बेटा देखिए तो अब ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है तो दिस इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अभी तो अभी ये सबसे सिंपल क्वेश्चन कैसा होता है और हम लोग थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं अब आगे चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा अगले क्वेश्चन में दो बेटा पूरा कंसेप्ट इसका क्या है इन कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जीरो डिफ्लेक्शन एट सेंटीमीटर क्या बेटा कि जीरो डिफ्लेक्शन फोर्टी सेंटीमीटर पर जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है बेटा ध्यान देना यानी कि बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया फोर्टी सेंटीमीटर देखिए यहां फोर्टी सेंटीमीटर कहने का सेंस इसका है कि जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है क्या की फाइंड द वैल्यू ऑफ अनोन रजिस्टेंस तो कह रहा कि यह जो आर है बेटा ये अननोन है ना तो कह रहा कि इस अननोन रजिस्टेंस का मान बताओ क्या होगा और क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर बैटरी तो यहाँ पर जो बेटा यहाँ एक बैटरी जोड़ दिया है ई हंड्रेड वोल्ट की और एक एडिशनल यहाँ पे रजिस्टेंस भी लगा हुआ है टेन ओम का दे बेटा एक चीज पहले ही ध्यान देना है कि यहाँ पर फोर्टी सेंटीमीटर हम अपना यूनिट बेटा यहाँ पर वही ले सकते हैं वन ओम का आ, वन सेंटीमीटर का वन होम मान लो बेटा तो वन दो बेटा यदि हम लोग कंसिडर करें कि लेट यहाँ पर कुछ भी मान सकते बेटा क्योंकि रेशियो आता है ना तो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह रेशियो से रेशियो रेशियो से कैंसिल हो जाता है इसलिए कुछ भी मान लेते हैं लेकिन अब मान लो बेटा कि आ, लेट आ, वन सेंटीमीटर तो लेट वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन होम तो यहाँ पर फोर्टी सेंटीमीटर बेटा और यह क्या नाम होता है इसका पी इसका क्या नाम होता है बेटा क्यू तो P बराबर कितना हो गया 40 ओम ले सकते हो आराम से अच्छा क्यू बराबर तो कितना, तो तो कितना हो गया बेटा जब यह 40 है तो यह 100 माइनस फोर्टी यानी कितना आ गया गया 60 सेंटीमीटर हो तो जब 60 सेंटीमीटर हो गया तो Q कितना हो गया बेटा 60 ओम हो गया। हो गया गया अब देखिए बहुत ही आसान ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी कुछ घुमा करके ट्विस्ट क्वेश्चन भी दे देता है जो आगे लिया गया है अभी हम दिखा रहे हैं बेटा आपको तो अब पी बाई क्यू अब पी और क्यू अच्छा जानते हो बेटा क्या होता है कि पी बाई क्यू कितना हो गया बेटा फोर्टी अपॉन सिक्सटी हो गया फोर्टी अपॉन सिक्सटी मीन्स कितना हो गया टू अपॉन थ्री हो गया तो पी बाई क्यू की वैल्यू दिया है टू बाई थ्री अच्छा अब जानते हो बेटा कि अब पी बाई क्यू ब्रिज चूंकि कहा है कि ब्रिज बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है कि ब्रिज बैलेंस है तो जब ब्रिज बैलेंस है तो आर बाई यस के बराबर यही होगा यानी कि आर बाई यस बराबर क्या हो गया हमारा टू बाई थ्री हो गया हो गया ना अच्छा अब देखो बेटा अब पूछ क्या रहा है हमसे एस पूछ रहा है तो एस बराबर कितना हो गया थ्री आर अपान टू हो गया तो एस की वैल्यू थ्री आर अपान टू अब बेटा यहाँ पर यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या पूछा एस की वैल्यू हम लोग को निकालना है और आर की वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आर की वैल्यू कितना बेटा देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू दिया है ट्वेंटी ये आर होता है और जो एस है बेटा उसको आर रजिस्टेंस के लिए इसको आर लिखा लेकिन नाम जानते हैं बेटा कि इसका हमेशा फिक्स है यस होता है ओके okay बेटा तो अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर दिया है ट्वेंटी तो आर की वैल्यू दिया बेटा ट्वेंटी तो थ्री इंटू ट्वेंटी और अपान कितना टू दो से कैंसिल हुआ ये हो गया टेन तो एस की वैल्यू कितनी आ गया बेटा टेन इंटू थ्री यानी कि थर्टी ओम तो यही क्या हो गया बेटा यही आंसर हो गया हम लोगों का हो गया बेटा तो आंसर हो गया ओम दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसान देख रहे बेटा तो बहुत ही आसान देखिए तो ये है तरीका अब क्वेश्चन को कभी कभी होता है क्या बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो डायग्राम देख के ही छोड़ देते हैं सोचते हैं कि बहुत कठिन होगा अच्छा अब जब बात रही बेटा कि यहाँ पर जो बैटरी दिया हुआ है हंड्रेड बोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ये ओम लिखा हुआ था इसका क्या फर्क पड़ेगा और सोलूशन में कहीं पर भी जब हम लोग सॉल्व किए तो इसको हम लोग यूज नहीं किए यस कॉमन सेंस कि दे बेटा यहाँ जो इसके कारण से जो करंट बढ़ रही है आई तो यहाँ करंट गई और यहाँ से यहाँ आई बेटा ये इसका इस बैटरी का काम होता का है कि इसमें करंट को फ्लो कराना बेटा इसमें करंट को फ्लो कराना इसका काम होता है बेटा कि केवल इसमें करंट को फ्लो कराना होता है तो जब यहाँ पे करंट आती है बेटा तो यहाँ पे करंट आकर के दो पार्ट में बढ़ जाती है अब जो करंट इसमें बह रही होगी और इसमें बह रही हो बेटा तो वह आ रही है फिर बैटरी में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका काम तो ना इसका काम तो केवल सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो इसका कोई भी करंट फ्लो करे कोई भी मतलब चाहे यहाँ पर बेटा दस सौ वोल्ट की बैटरी लगा दे चाहे दो पाँच वोल्ट की लगा दे चाहे चार वोल्ट की लगाए चाहे बारह वोल्ट की लगा दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर रजिस्टेंट डाल देंगे तो इस रजिस्टेंस का प्रभाव तो खाली इसमें बहने वाली करंट में ना होगा बेटा और चूंकि यह डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है तो चाहे जो भी करंट बह रही होगी तो चाहे पोटेंशियल जो भी होगा वह तो जब दोनों साइड के पोटेंशियल बराबर होंगे तब तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको मिलेगा तो हमको तो केवल कुछ भी करंट बहे वॉट इवर इज द वैल्यू ऑफ द करेंट हमको तो केवल डिफ्लेक्शन बिंदु खोजना है ना तो अब वो चाहे एक एम्पियर की करंट बह रही हो चाहे दस एम्पियर की करंट बह रही हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमको केवल पॉइंट लोकेशन चाहिए कि हाँ कहाँ लोकेशन है अब जैसे मान लो बेटा कि इधर का वोल्टेज इधर का वोल्टेज बराबर हुआ और सपोज करिए कि इधर का वोल्टेज दस वोल्ट है सपोज करिए या इधर का वोल्टेज दो वोल्ट है तो पक्का है कि दो वोल्टेज जब इधर दो वोल्ट इधर का भी होगा दोनों साइड के वोल्टेज बराबर होंगे तभी तो डिफ्लेक्शन मिलेगा अब वो चाहे किसी किसी भी करंट के बारे से मिला हो अब चाहे दो एम्पेयर की बारे हो चाहे बीस एम्पेयर की बारे डज नॉट मैटर यानी कि यह बेटा हाँ पोटेंशियोमीटर में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग हेडिंग बताऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में तो पोटेंशियोमीटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और पोटेंशियोमीटर से हमेशा क्वेश्चन एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते बेटा आते ही आते हैं तो देख बेटा तो अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर यानी कि इसका बैटरी चाहे जितने बोल्टि की हो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यदि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यानी कि क्योंकि यह डिफ्लेक्शन मीटर पर डिपेंड है बेटा तो सलूशन दिस द दूसन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ओके बेटा तो एक बार डायग्राम को क्वेश्चन को फिर से अच्छी तरह से नोट कर लें देख लें नोट्स बना लें कैसे सॉल्व हो रहा है यही एग्जाम में आपके आएगा बेटा इसी तरह का आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा कि इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ इज 55 सेंटीमीटर ध्यान देना बेटा यहाँ पे कह रहा कि इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ इज द 55 सेंटीमीटर व्हेन आयन व्हेन आयन एडिशनल रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन द सीरीज एक्स बेटा अब एक बैलेंसिंग लेंथ दिया है आपको कि कहीं पर बैलेंसिंग लेंथ 55 सेंटीमीटर पर है कह रहा कि जब हम इसमें एक एडिशनल रेजिस्टेंस एक्स जोड़ देते हैं विद पी किस में जोड़ा गया है पी में तो क्या बेटा अच्छा अब ये बताओ तो रे बेटा कि P जिसको हम लोग मानते हैं वो P वहाँ नहीं है P हम लोग जनरली किसको मानते हैं बेटा P हम लोग बैलेंसी लेंथ पे जो आता है तो हम लोग इसको P मानते हैं और इसको Q मानते हैं ये फिक्स अंडर स्टूड है लेकिन ये नाम यहाँ पर P और Q दिया है तो यहाँ से जो P पहले ही लिख दिया है और Q लिख दिया है तो उससे हमको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्या है कि चाहे अब इसको पी क्यू लिख दिया जाए चाहे आर यस लिखा जाए फिक्स नाम क्या है बेटा फिक्स नाम हम लोग का यह आर होता है और यह एस होता है ये नाम हम लोग का फिक्स है अब कहीं मान लीजिए इसको एक्स कह दिए इसको वाई कह दे या इसको एम कह दे इसको एन कह दे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो दिमाग में बैठा है आपके कि यह जो है आर है और ये यस है चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाए अच्छा और यह जो बैलेंसी लेंथ पर मिलता है बेटा ये P है हमेशा ये फिक्स बेटा कि ये P है और इधर जो मिल रहा है वो Q है हमेशा भी फिक्स है ओके अब आ जाओ बेटा फिर क्वेश्चन पे तो कह रहा है सीरीज कह रहा है कि यदि इसमें वेन एन एडिशनल यदि ये एडिशनल रजिस्टेंस ले लिया जाए एंड विथ पी यानी इसमें जोड़ रहा आर में तो कहरा कि यदि यार में जोड़ दिया जाए नो बैलेंसिंग लेंथ है शिफ्टेड 75 सेंटीमीटर तब बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट करके 75 सेंटीमीटर हो जाता है कह रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो कह रहा कि एक्स का मान बताओ यस दिस इज द क्वेश्चन एंड सम ट्विस्टेड एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन तो ओके कम ऑन द पॉइंट सिंस यू नो ऑलवेज नो दैट दिस इज द आर एंड दिस इज द यस एंड दिस इज द पी एंड दिस इज द क्यू ओके दिस इज अंडरस्टूड ओके okay, बेटा और यहाँ पर बैटरी लगी है तो करंट क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए कोई सोर्स चाहिए ना तो इसलिए बैटरी कभी कभी बैटरी को दिखाते हैं कभी कभी नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारा मेन मीटर ब्रिज का पार्ट तो वही है बैटरी एडिशनल करंट के सोर्स के लिए काम करती है क्योंकि तो बैटरी नहीं रहेगी तो करंट कैसे बहेगी जब करंट एडिशनल पॉइंट हम कैसे खोजेंगे तो इसलिए हम कभी कभी को इसमें बैटरी को दिखा देते हैं एक एडिशनल डिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर की लगा देते हैं तो लेकिन इन सब चीज़ों का मीटर ब्रिज के वर्किंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह केवल ये जो बैटरी है और जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं एक्स्ट्रा तो वह उनका काम केवल होता है करंट के करंट को कम करना करंट को ज़्यादा करना वह करंट को कम ज़्यादा करने के लिए एडिशनल रेजिस्टेंस कभी कभी नीचे लगा देते हैं बैटरी के साथ में लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा तो अब देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमको ये भी देखना बेटा तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे एक बार फिर से समझ लिए क्वेश्चन को फिर से देख लो बेटा तब आगे चला जाए साल पर क्या रहा है कि इन्हें मीठा ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसी लेंथ इज द फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर कोई एक मीठे ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर बैलेंसी लेंथ फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ वेन एन एडिशनल रजिस्टेंस ज्वाइंट इन द सीरीज एक्स विथ पी यानी कि पी यानी यहाँ पर जो दिया हुआ यानी यार के साथ कह रहा है कि जब एक एडिशनल रजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो बैलेंसी लेंथ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर हो जाता है तो बताओ कितना रजिस्टेंस जोड़ा गया था यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स ओके तो यस एंड दिस डायग्राम इज आल्सो गिवन

तो बेटा 100 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 45 तो बेटा तो इधर की लंबाई हो गई 45 सेंटीमीटर और जब ये फोर्टी फाइव सेंटीमीटर हो गई तो सपोज बेटा जानते हो कि मान लिया जाए कि एक सेंटीमीटर बराबर एक ओम है तो यह 55 सेंटीमीटर है तो इधना कितना होगा 55 फाइव ओम हो गया तो दिस बिकम्स फिफ्टी फाइव ओम इधर और ये हो गया फोर्टी फाइव ओम तो अब इसी को कहते हो बेटा इधर वाले को लेफ्ट साइड को कहते हो पी और इधर को कहते हो क्यू तो बेटा अब इसका मतलब ये हुआ कि आ, पी की वैल्यू कितनी होगी बेटा तो आर बेटा आर बराबर फिफ्टी फाइव आर बराबर फिफ्टी फाइव और यस बराबर जो है फोर्टी फाइव दिया बेटा यानी कि पी और की ऊपर वाले को माना गया तो इसलिए आर और यस सब लोग नीचे मर ले लिए हैं तो आर बराबर फिफ्टी फाइव हो गया और यस बराबर फोर्टी फाइव हो गया बेटा अब जब देखना बेटा तो अब यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर क्या हो रहा है अब देखो बेटा इसको हटा दिया जाए पहले हाँ बेटा देखो अब

कितना होगा और जानते पी बाई क्यू बराबर होता है बेटा तो यदि मैं कहूं कि पी बाई क्यू बराबर कितना है तो आप कहेंगे क्या थ्री थ्री अपान क्यू है यानी कि पी बाई क्यू इक्वल टू बेटा थ्री अपान पी बाई क्यू इक्वल टू कितना बेटा थ्री अपान यहां पर अननोन रेजिस्टेंस यस माना गया बेटा तो देखिए यहां पर आ गया कि पी बाई क्यू बराबर क्या बेटा थ्री बाई क्यू यानी कि पी के स्थान पर बेटा डाइग्राम में देखे बेटा पी के स्थान पर कितना है थ्री और एस के स्थान पर क्या बेटा क्यू है एस के स्थान पर क्यू दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग बी एस के स्थान पर क्यू लिख दिया बेटा तो पी बाई क्यूल टू थ्री बाई क्यू अच्छा और ये बराबर किसके होता है जानते बेटा कि पी बाई क्यूबर बाई एस होता है तो अब यह फिफ्टी फाइव अपॉन फोर्टी फाइव यानी कि इलेवन अपॉन नाइन इलेवन अपॉन नाइन ओके बेटा अब चलिए अब थ्री बाई क्यू यानी कि थ्री बाई ए बेटा थ्री बाई क्यू इक्वल टू कितना बेटा इलेवन बाई नाइन एंडर स्टूड है अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल दें बेटा तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी सेवन बाई इलेवन यानी कि जो यह क्यू दिया हुआ है ये जो क्यू दिया है उसकी वैल्यू आ रही है कितना जो क्यू दिया बेटा उसकी वैल्यू आ रही है ट्वेंटी सेवन ए इलेवन ओके बेटा सिंगल लाइन अब आगे बढ़िए अब क्या कह रहा है बेटा कह रहा है कि वेन एडिशनल रजिस्टेंस ज्वाइंट अब एक एडिशनल रजिस्टेंस जोड़ा है और किस में जोड़ा है पी में तो बेटा बेटा पी डायरेक्ट सब मैंने लिख दिया उसको एडिशनल रजिस्टेंस कहाँ पे जोड़ा बेटा तो दे बेटा अब ये होता तो आर है लेकिन चूंकि क्वेश्चन में लिखा है यह पी है तो नो प्रॉब्लम पी ही दिया जाए तो अब पी में क्या है एक एडिशनल रजिस्टेंस जोड़ा तो एक एडिशनल रजिस्टेंस जब भी जोड़ता जाएगा ना बेटा जब भी रजिस्ट्रेंस जोड़ने का सवाल आवे तो यह आर में ही यहीं पर जोड़ा जाएगा तो या तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा या तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा इसमें जोड़ा नहीं जा सकता या वायर वाले में बेटा देखो वायर वाले में जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह तो एक सिंपल वायर एक सिंगल वायर होता है तो यहाँ जोड़ने की कोई चांसेस नहीं होती जब भी रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो या तो आर में या तो यश में हम लोग के क्वेश्चन में इसको पी बोल दिया इसको क्यू बोल दिया डज नॉट मैटर तो हम यदि पी और क्यू यहां पर ले लिया बेटा तो यहाँ पे नाम हम लोगों ने पी और क्यू ये जो तो होता हमारा यहां पर बेटा तो हम लोग आर और यश को यहाँ नाम रख दिया है नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ अब इसके बाद तो क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके बेटा अब जब एक एडिशनल रजिस्टेंस जोड़ दिया है तो अब हमारा जो पी डैश हो गया चूंकि बोला सीरीज में जोड़े हैं और पी के साथ जोड़ा गया है तो P डैश हमारा क्या हो गया बेटा थ्री ओम पहले था और एक्स आपने जोड़ दिया तो थ्री ओम प्लस एक्स हो गया हो गया अच्छा अब बोला है कि जब हम उसमें एक रेजिस्टेंस एक्स जोड़ देते हैं तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग लेंथ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर हो जाता है तो अब बेटा यह बैलेंसिंग सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर मिस ये सेवेंटी फाइव होम हो गया अब सेवेंटी फाइव होम हो गया बेटा जो इक्वेशन है वह फिर वैसे ही रहेगा पी बाई क्यूक्वा टू आर बाई एस चो बेटा पी अब हमारा पी के स्थान पर क्या हो गया पी डैश हो गया क्योंकि अब एक हम लोग रेजिस्टेंस जोड़े हैं ना बेटा तो अब हम लोग इसको क्या मान लिए हैं अब इसका नाम रख दिया हम लोग पी डैश नाम रख दिया तो पी डैश वहां क्या हो गया थ्री ओम प्लस एक्स पी डैश वहां क्या हो गया बेटा थ्री ओम प्लस एक्स क्योंकि सीरीज में जोड़ा गया है और क्यों क्यूँ तो अभी भी वैसे ही है अच्छा अब देवटा अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं थ्री एक्स अपन क्यू इक्वल टू थ्री बाई वन आ गया ना बेटा यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यदि यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए तो दे बेटा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा तो क्यू की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी सेवन अपन इलेवन तो बेटा तो अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू देबटा अब यहाँ पे पी बाई क्यू इक्वल टू अब आर वाई एस अब आर बाई एस थ्री बाई वन कहाँ आया कहाँ से तो दे बेटा आर का मान कितना है सेवनटी फाइव कहाँ से सेवेंटी फाइव आया क्योंकि अब बैलेंस सेवेंटी फाइव हो गया है अब P बाई क्यू बराबर किसके होता है P बाई क्यू बराबर आर बाई यस और आर बाई यस कितना हो गया बेटा आर का मान है सेवेंटी फाइव और इसका मान हो गया ट्वेंटी फाइव यानी कि जब एक सेवेंटी फाइव हुआ तो दूसरा वाला ट्वेंटी फाइव होना ही है सौ में से पचहत्तर माइनस कर देंगे ट्वेंटी फाइव आएगा तो थ्री बाई फोर हो गया बेटा अच्छा पी डैश तो बेटा अब यहाँ से कंडीशन क्या हो गया कंडीशन हो गया पी डैश अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस ये कंडीशन होता है बेटा बैलेंस हो रहा है ना तो पी डैश बाई क्यू तो बेटा पी डैश बाई क्यू के स्थान पर कितना लिखा थ्री प्लस एक्स अपान क्यू और आर बाई एस के स्थान पे हो गया थ्री बाई वन यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों को क्या क्या बेटा ये दोनों आपस में बराबर कर दिया अच्छा अब जो बेटा से कितना हो गया तो अब चूंकि क्यू बराबर देखो क्यू का मान कितना आया था अब ऊपर यहां से निकल जो पहला वाला कंडीशन था बेटा तो यहां से हम लोगों ने क्यू का मान निकाला था तो आया था ट्वेंटी सेवन अपन इलेवन दो बेटा यहाँ नोट कर लो ठीक से यहाँ बेटा यहाँ बेटा यहाँ पर नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और यहाँ पर इलेवन तो क्यू का मान यहाँ आया था ट्वेंटी सेवन अपान इलेवन ओके बेटा तो क्यू का मान यहाँ से आया ट्वेंटी सेवन अपान इलेवन ओके अब यही क्यू की वैल्यू ला करके बेटा क्योंकि हम लोग क्यू बराबर पाए हैं ऊपर ट्वेंटी सेवन बाई इलेवन तो अब यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू रख दिया ना यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू रख दिया बेटा पी बाई क्यू यह वाला इक्वल टू तो देश हो गया बेटा तो हमने यहाँ पर क्यू का मान रख दिया बेटा यहाँ पर इस इक्वेशन में, में, हम में हमने दिया बेटा इस इक्वेशन में हमने ना एज वाला इक्वेशन है इसमें हमने क्यू का वैल्यू रख दिया ट्वेंटी सेवन बाई इलेवन रख दिया रख दिया बेटा अब बस इसको कुछ नहीं करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इलेवन ऊपर ले जाइए और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए तो बेटा इलेवन ऊपर गया और थ्री बाई वन तो अभी वैसे ही है ट्वेंटी सेवन नीचे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे हो गया थर्टी थ्री और इसमें हो गया करेंगे बेटा इलेवन प्लस इलेवन एक्स हो जाएगा और ट्वेंटी सेवन का थ्री में करेंगे तो एट्टी वन हो गया बेटा ये ये लाइन आ गई आ गई अब दो बेटा फिर क्या हो गया अब यहाँ यहाँ पे देखो बेटा ये थ्री एक्स नहीं बल्कि इलेवन एक्स है ना बेटा अब ये क्या हम लोग का बेटा अब यहाँ पर हम लोग का है इलेवन बेटा ये हो गया इलेवन एक्सा इलेवन एक्स और ये थर्टी थ्री उधर चला गया एट्टी वन माइनस थर्टी थ्री 48 आ जाएगा बेटा और x बराबर कितना हो गया 48 11 48 11 आंसर इज द सी ऑप्शन नोट कर लीजिए ठीक से बेटा हो गया हो बेटा तो की बराबर कितना आ गया बेटा आंसर कौन सा आ गया आप लोगों का तो 48 11 मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके okay बेटा एक बार फिर से देख ठीक से ओ गया चलो बेटा ठीक से आप वीडियो भी है आपके पास बैक करके देख सकते हैं आप आराम से बेटा फर्स्ट क्लास का लेना तो एक कांसर बनाना अभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट देख रहा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जा रहा है तो हम ऐसा सेट किए हुए हैं कि सबसे पहले बहुत ही आसान और उसके बाद वो तो टफ होता जा रहा है अब आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो बेटा यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा कह रहा है इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरचेंजिंग द रजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड लेफ्ट टेन सेंटीमीटर अब बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अब चूंकि पहली बार जब एक दो एक बार ना जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे बेटा कंसेप्ट को समझ जाएंगे अब मीटर ब्रिज के हमने चार पांच क्वेश्चन से करवा दिया यहाँ पर और थ्योरी बता दिया बेटा ताकि आपका मीटर ब्रिज वाला पॉइंट बिल्कुल ही तैयार रहे अब आप इस पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रह जाए और आएगा जरूर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्यों आएगा क्योंकि अभी इस साल यानी कि दो के लिए बेटा एग्जाम के लिए अभी पोटेंशियल हट गया था तो सारा सब कुछ भार जो पोटेंशियल मीटर हटा था तो उसका सॉल्व सब इसके साथ पूरा भार वेटेज किस पे आ गया मीटर ब्रिज पे आ गया ना तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर डालिएगा तो लेकिन अब सॉल्व क्या मैं करवाऊंगा बेटा इस पी हंड्रेड फिजिक्स पर अब लगातार बने रहिए नोट्स बनाइए सारे लेक्चर्स को पढ़िए फिजिक्स बहुत आसान होती है फिजिक्स बहुत आसान होती है तो फिजिक्स बहुत आसान होती है हंड्रेड नंबर झमाझम आते हैं फर्स्ट क्लास के हाँ चल बेटा और एक बात ज़रूर करना बेटा देखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो फिर दोबारा मत करिएगा ना बेटा और सारे वीडियोस को लाइक लाइक करने में कंजूसी मत तो किया करिए तो लाइक किया करिए कमेंट्स में बताते रहिए जो डिमांड है उसको भी बताते रहिए और जो भी बच्चे देखें नए वगैरह हों आपके अगल बगल में बैठते हों जिनसे भी आपका परिचय है और आ, आ, उनको भी ज़रूर बताइए चैनल के विषय में क्योंकि चैनल जब ग्रो कर जाएगा और एक मिनिमम क्राइटेरिया एक होती है यूट्यूब की जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें लाइव बताऊंगा तो मैं जब पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको लाइव मिलेगा तो इसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी होती है आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है जो पढ़ रहे बेटा आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि जितने भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ओके कमल तो इन इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड लेफ्ट टेन सेंटीमीटर अब देखो बेटा कभी भी कहीं पर भी बैलेंस पॉइंट यदि है तो जहां पर है ध्यान देना मैं डायग्राम से समझाऊ जैसे तो मान लो बेटा कि मान लीजिए कि जॉकी यहाँ लगा हुआ है और ये हमारा बैलेंस पॉइंट है ये हमारा बैलेंस पॉइंट बेटा तो जब यह जॉकी इधर शिफ्ट करेगा यानी कि बैलेंस पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट किया लेफ्ट तो जब लेफ्ट शिफ्ट करेगा इसका मतलब कि जो जहाँ जो रजिस्टेंस पी होता है जब लेफ्ट शिफ्ट किया तो उसकी लंबाई कम हो गई ना तो जब भी कभी भी कह दे कि बैलेंस पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया है तो हमेशा ध्यान देना बेटा कि लंबाई जितना शिफ्ट किया है लो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है जिसमें पता कि पहले रहा L अब हो गया एल माइनस टेन पक्का हाँ बहुत आसान होती बात अच्छा बेटा जैसे मान लीजिए पहले बैलेंस लेंथ था यल सेंटीमीटर अब अब कह रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ शिफ्टेड राइट हैंड टेन सेंटीमीटर तो अब क्या करिएगा अब लंबाई यानी कि रजिस्टेंस बढ़ गया है अब लंबाई कितनी हो गई बैलेंसिंग लेंथ की एल प्लस टेन सेंटीमीटर यानी कि जब बैलेंसिंग लेंथ राइट हैंड शिफ्ट होता है तो लंबाई बढ़ती है और जब यहाँ की, की लंबाई बढ़ जाएगी एल प्लस हो जाएगी उतना और जब लेफ्ट हैंड शिफ्ट करेगा बेटा तो एल माइनस हो जाएगी और एल माइनस और यहां होता कौन सा रजिस्टेंस है तो यह देखा जाए कि कन्वेंशनल रजिस्टेंस हम लोग इसको पी मानते हैं यानी कि पी का मान घट जाता है और बढ़ जाता है तो कब घटेगा जब लेफ्ट शिफ्ट होगा कब बढ़ेगा जब राइट शिफ्ट right होगा क्लियर ओके okay. चलो बेटा तो बैलेंसिंग लेफ्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर बेटा लेफ्ट शिफ्ट किया है ओके अब ध्यान रखिएगा बेटा कि 10 सेंटीमीटर कम हो गया होगा और 10 ओम कम हो जाएगा एक ओम एक सेंटीमीटर का एक ओम होगा तो अब कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कम्बिनेशन इज वन किलो ओम देखो बेटा यानी सीरीज कम्बिनेशन जब भी हो बेटा तो अभी अभी बताया हो कि हमेशा कम्बिनेशन किसका किसका होता है ऊपर वाले दोनों आर और यस में ही होता है सीरीज कम्बिनेशन क्योंकि नीचे जो लगा हुआ है पी एंड क्यू तो पी और क्यू तो सिंगल वायर है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो वायर है और जहाँ हम जॉकी टच कराते हैं बेटा तो जॉकी क्या करता है उसको दो पार्ट में बांट देता है तो लेफ्ट हैंड वाला पी कहलाता है और राइट हैंड वाला क्यू कहलाता है जॉकी का काम है वायर को दो पार्ट में बांट देना यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई गुंजाइश जोड़ने की नहीं है तो हमेशा रेजिस्टेंस किस में जोड़ा जाता है या तो आर में नहीं तो यस में तो क्वेश्चन में बताया रहेगा किस में जोड़ा जा रहा है किस में घटाया जा रहा है पी क्यू में कोई गुंजाइश नहीं होती और सिंगल वायर होता है जॉकी दो पार्ट में डिवाइड करती है और डिवाइड जब करती है तो उस बिंदु पर जहाँ पर जॉकी लगाते हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है बेटा तो वह क्या करता है दोनों साइड के पोटेंशियल को बराबर कर देता बैठा, बैठा है दिमाग बस ये बैठ बैठाए रखिए ओके अब कह रहा है कि दोनों का कम्बिनेशन इसका मतलब है कि कम्बिनेशन वन किलो ओम यानी कि एक हजार ओम तो एक हजार ओम किसका कम्बिनेशन इसका मतलब आर और एस यानी कि एक बात साफ शब्द दिया है कि आर प्लस एस का मान वन थाउजेंड है ओके अच्छा अब आगे चलो बेटा कह रहा है कि डिटरमाइन तो दो पॉइंट क्लियर हुए नंबर वन की लेफ्ट हैंड शिफ्ट में शिफ्ट करता है दस सेंटीमीटर और दूसरा यह बेटा कि आर प्लस एस का मान वन थाउजेंड है दो चीजें लिख दीजिए तो दोनों कॉपी में फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द इन द लेफ्ट स्लॉट कह रहा है बेटा लेफ्ट स्लॉट में कौन सा होता है तो ज्यादा बेटा कि लेफ्ट स्लॉट में आर होता है और राइट स्लॉट में यस होता है आर और यस ऊपर वाले और जो जो जगह बनी खाली जगह के बीच में बनी थी ना उसी को स्लॉट बोलते हैं लेफ्ट स्लॉट एंड राइट स्लॉट तो बेटा तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस इन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रजिस्टेंस का कि जब हम इंटरचेंज नहीं किए थे रजिस्टेंस को इंटरचेंज का मतलब क्या बेटा कि जो आर का मान है जितना आर है वो यश पे लगा दिया जाए और जो यश है वो आर पे लगा दिया जाए इंटरचेंजिंग कहाँ पर हो सकती है आर और यश में कोई भी रजिस्टेंस जोड़ा या घटाया कहाँ पर जा सकता है आर और यश में क्या कभी इंटरचेंजिंग पी और क्यू में होती है नो no. कभी इंटरचेंजिंग नहीं होती है हाँ ये कह सकते हैं कि पहले इधर फुर्टी था और अब उधर फुर्टी हो गया यानी कि वह तब तो इंटरचेंज नहीं कहेंगे यानी कि आप नहीं कर रहे हैं वह वह क्या कर रहा है जो कि दो पार्ट में ऐसा बांट रहा है कि रेजिस्टेंस का इंटरचेंज ऑटोमेटिकली हो जा रहा है लग रहा है कि अब जैसे बालो बेटा कि पहले फुर्टी लेफ्ट हैंड था नीचे पी अब अब जौकी ऐसे जगह पर है कि अब राइट हैंड में फुर्टी हो गया इधर सिक्सटी हो गया ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में बेटा लेकिन जब एडिशनल जोड़ा या घटाया जाता है तो खाली आर और एस में होता है इंटरचेंज निकाल के इसको निकाल के बेटा उधर कर दिया उसको निकाल करके इधर कर दिया वैल्यू इंटरचेंज किया ओके तो चलो बेटा अब आ जाओ और उसके बाद ऑप्शन दिया है आप बहुत आसान बेटा ऐसा डाइग्राम बना दिया जाए जानते हो कि ये विट स्टोन ब्रिज दे बेटा ये आर ये, 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 ये और ये पी और ये क्यू ना तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया P. ये क्या हो गया Q. ये क्या है बेटा R. ये क्या है यस अब बेटा जानते हो कि यदि यह है, है सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली Q का मान 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाना है ओके okay. अब जानते हो बेटा P बाई क्यूब मैं अब कहूं कि इस डायग्राम को देख करके P बाई क्यू का मान निकालो निकालिए बहुत आसान पी बाई क्यू बराबर कितना पी बाई बराबर पी का मान कितना है एल सेंटीमीटर और क्यू का मान कितना है 100 माइनस एल सेंटीमीटर तो क्या शो कर रहा बेटा कि आर अच्छा यही बराबर किसके होगा आर के होगा क्यों क्योंकि यह बैलेंस पॉइंट है तो चूंकि ब्रिज बैलेंस है तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो पी वाई क्यू बराबर आर बाई एस होता है तो आर बाई एस बराबर कितना होगा बेटा वही जितना पी बाई क्यू है उतना ही आर बाई एस भी होगा यानी कि ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया कि आर बाई एस अंडरलाइन द पॉइंट कि आर बाई यस इक्वल टू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल राइट द पॉइंट ओके बेटा तो अभी यह पहले का कंडीशन था जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था और अब हम इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि जो आर था वो एस बन गया और जो यश था वो आर बन गया दिस इज द इंटरचेंज लेकिन पी बाई क्यू का रेशियो तो वही ना रहेगा तो पी बाई क्यू का टू अब आर बाई यस होता है लेकिन आर यस हो गया है तो यस हो गया और यस आर हो गया है तो आर so हो गया यानी पी वाई क्यू बराबर अब क्या हो गया बेटा एस बाई आर हो गया अब मैं कि तो एस बाई बराबर कितना हो गया तो एस बाई आर बराबर कितना हो गया बेटा इंटरचेंज करने के बाद हुआ ना यह तो आर वैल्यू अब इंटरचेंज करने के बाद निकाल रहे हो तो क्या बोला था इंटरचेंजिंग में 10 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट किया है दस सेंटीमीटर तो जब दस सेंटीमीटर लेफ्ट गया बेटा तो अब कितना हो गया होगा पहले ही सिखाया हूं कितना हो गया होगा अब एल माइनस टेन हो गया पहले यल था दस सेंटीमीटर इधर गया तो और कम छोटा हो गया होगा ना एल माइनस टेन तो अब अब कितना हो गया एल माइनस टेन क्यों साफ दिया है कि शिफ्टेड लेफ्ट टेन सेंटीमीटर तो पहले था अब हो गया एल माइनस टेन अच्छा जानते बेटा जितना जितना लेफ्ट वाला होता है तो उसी को हंड्रेड में से माइनस कर दिया जाता है तो राइट वाला मिल जाता है यानी कि क्यू मिल जाता है तो बेटा हंड्रेड होता ही है उसमें से जो ये जितना भी होता है यह वही उतना माइनस कर दिया जाता है तो जब इसमें माइनस करोगे बेटा तो क्या आएगा यानी कि एस बाई आर बाबे दो बेटा देखिए ऊपर तो उतना तो ही है एल माइनस टेन इसको माइनस करिए तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो बेटा हंड्रेड और प्लस टेन 10, माइनस हंड्रेड हो जाए ना ब्रैकेट खोल दीजिए अब फिर जब सॉल्व करो बेटा तो कितना हो जाएगा सो मच यानी कि हंड्रेड प्लस टेन यानी कि वन हंड्रेड टेन माइनस एल हो जाएगा ये हो गया अब एक किसकी वैल्यू आई एस वाई आर की तो अब एक बेटा बहुत आसान बेटा देखना कि बेटा दे अब एस वाई आर की वैल्यू आई ना तो इसको हमने आर बाई यस कर दिया बेटा आर बाई यस उल्टा कर दीजिए तो इसको यदि उल्टा कर दिया जाएगा बेटा तो आर बाई यस बन जाएगा तो अब इसको इसको ऊपर कर दीजिए ऊपर का नीचे कर दीजिए कर दिया अब बेटा वन वन हंड्रेड टेन माइनस एल और फिर ऊपर क्या हो गया बेटा एल माइनस टेन था तो नीचे आ गया एल माइनस टेन हो गया अब इसको इक्वेशन नंबर दो नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर टू अब हम कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए बेटा कि आर बाई यस यहाँ निकाल लिया और आर बाई एस की वैल्यू आप पहले एक बार एक बार बेटा बिफोर बिफोर इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग पहले भी एक बार आपने आर बाई एस का मान निकाला है ना तो एक बार आर बाई एस का मान निकाल बेटा की रजिस्टेंस इंटरचेंजिंग रजिस्टर को रजिस्टेंस को इंटरचेंज करने के ना पहले आर बाई एस निकाल लिया पक्का हाँ बहुत आसान है कुछ है बेटा फिजिक्स बहुत आसान होती है एक बार एक बार आर बाई एस का मान पहले निकाला और एक बार फिर से बेटा इंटरचेंज करने के बाद में आपने आर बाई एस का मान निकाल लिया दो इक्वेशन हो गए दोनों को बराबर कर दीजिए इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन आर बाई एस नंबर वन इतना था और आर बाई एस नंबर टू में इतना था दोनों बराबर कर दीजिए कर दिया हाँ बस बहुत आसान कर दिया बेटा बस बेटा अब ये करने के बाद अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसमें हाँ करिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा देखिए यहाँ से करेंगे तो एल में यल का करेंगे एल स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस टेन ही बेटा एल स्क्वायर माइनस टेल इक्वल टू अब यहाँ का मल्टीप्लाई करिए हंड्रेड का किस इसमें करेंगे बेटा तो इलेवन थाउजेंड हो जाएगा इलेवन थाउजेंड हो जाएगा और माइनस हंड्रेड से करेंगे तो माइनस हंड्रेड यल हो जाएगा और फिर अभी एल बचा हुआ बेटा तो इसमें करेंगे तो माइनस ए वन हंड्रेड टेन एल हो जाएगा और यहाँ माइनस एल माइनस यल का होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा ओके कर दिया बेटा नोट कर लीजिए और अब क्या होगा बेटा इधर भी एल स्क्वायर इधर भी एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड अब यहां पे क्या बचा बेटा रिमेनिंग माइनस टेन एल इज द रिमेनिंग रिमेनिंगयर इन द लेफ्टअल टू इलेवन थाउजेंड माइनस हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड टेन बेटा ये बचा हुआ है जो माइनस वाले बेटा सबको इधर ला दीजिए तो लेफ्ट हैंड में ला दीजिए माइनस टेन एल यहाँ पहले से था बेटा वहां पे हंड्रेड एल आ गया और अभी वन हंड्रेड टेन एल भी इधर आ गया इधर बचा हुआ कितना इलेवन थाउजेंड बता बचा हुआ तो इसके राइट हैंड में दे दीजिए वैसे ही हो गया अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हंड्रेड ई एल और वन हंड्रेड टेन ई एल कितना बेटा दो सौ दस टू हंड्रेड टेन ई एल और माइनस टेन ई एल यानी कि टू हंड्रेड टेन दो सौ दस में से दस माइनस कर दो बेटा तो कितना हो गया टू हंड्रेड यल हो गया तो टू हंड्रेड यल इक्वल टू हाउ मच ही इन द राइट हैंड दैट इज द इलेवन थाउजेंड एंड देट फॉर यू विल गेट एल इक्वल टू इलेवन थाउजेंड अपॉन टू हंड्रेड टू जीरो बिकम्स कैंसिल वन अपॉन टेन बाई टू मीन्स यू विल गेट ही फाइव सेंटीमीटर देयर फोर एल इक्वल टू फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर अब देखोटा बहुत आसान न बहुत आसान पहली लाइन में आर वाई आर वाई एस निकाला दूसरी लाइन में भी आर वाई एस निकाला दूसरी लाइन इंटरचेंजिंग की वजह से वो एस वाई आर आया है रिवर्स कर दिया आर वाई एस बन गया पहले वाला इक्वेशन का कारवाई दूसरे वाला इक्वेशन का आर इसको आपस में इक्वेट कर दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर होगा इक्वेट करने के बाद में उसको सॉल्व कर दिया आपको बैलेंसिंग लेंथ पता चल गई है ना देखिए यानी कि पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी यल आया है यानी यल का क्या था पहले वाला इंटरचेंजिंग के पहले का बैलेंसिंग लेंथ लेंथ, लेंथ पहले के मतलब जैसे जब इंटरचेंज किया ना तो बैलेंसिंग लेंथ पहले का था ये क्या था 55 सेंटीमीटर ये बात क्लियर हो गई अब इसके बाद अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है क्यों क्योंकि पहला वे, एक में साफ साफ लिखे हुए ना कि आर बाई एस बराबर एल अपान सो मच है ये तो पहला इक्वेशन में ही है क्लियर है तो आर बाई एस इक्वल टू यल अपान सो मच और यल क्या क्या था पी और हंड्रेड माइनस यल हंड्रेड माइनस यल क्या था क्यू

अब यस की वैल्यू निकाल दिया तो कितना बेटा आ गया ओके okay, तो अब की वैल्यू आ गया ओके okay, अब इसके बाद क्या तो आपको पहले ही अभी अभी, अभी शुरू में ही पढ़े हैं क्वेश्चन में कहा, क्या बोला था कि दोनों का सीरीज कम्बिनेशन का मान दिया है वन किलो ओम यानी कि आर प्लस यश की वैल्यू दिया था वन किलो ओम यानी कि R yes R दिया दिया था था बेटा बेटा ओम ना इन द क्वेश्चन तो अब R प्लस और यस yes का मान अभी भी निकाल बेटा आई नाइन आर बाई इलेवन है यस yes की वैल्यू yes पुट कर दिया ए भी आर ए भी आर और बराबर कितना इलेवन आर प्लस नाइन आर टू ट्वेंटी ट्वेंटी आर बाबा इलेवन से मल्टीप्लाई किया 11000 हो गया बेटा तो ट्वेंटी आर ट्वेंटी आर इक्वल टू इलेवन थाउजेंड आर विल बी हाउ मच 11000 थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी हाउ मच दिस इज द 550 ओम तो so, 550 ओम दिस इज द फैंटास्टिक आंसर आंसर इज हाउ हाउ मच 550 ओम क्लियर तो बेटा आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि लाइट वगैरह है नहीं ना आ रहा बेटा रहा 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 रहा। तो यहीं पर रोकते हैं लेक्चर और अभी और भी क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन है बेटा तो अब हम जब वह पढ़ाएंगे पोटेंशियो मीटर तो पोटेंशियो मीटर और व्ही बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स मीटर ब्रिज पोटेंशियो मीटर ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बहुत जबरदस्त एपिसोड लेंगे तो वहाँ पे कराएंगे तो मीटर ब्रिज का और भी न्यूमेरिकल्स हैं अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है बेटा तो वहाँ पर भी कराएंगे लेकिन यह इससे अभी क्लियर हो गया कि इसके मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे बेटा चेक कर लीजिए सब्सक्राइब किए हैं या नहीं चेक करिए पहले कर लिए ओके सब्सक्राइब किए हैं ना हाँ और अपनी जितनी भी फ्रेंड्स सर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करो बेटा ताकि मैं डायरेक्ट लाइव आपको यूट्यूब पे पढ़ा सकूं ताकि जब पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट लाइव हम लोग दोनों तरफ से बात भी कर लेंगे उस समय तो बेटा आप दोनों तरफ से और लाइव हम लोग का तब चलेगा क्लियर तो इसीलिए थोड़ा आप भी प्रयास करिए मैं तो कर रहा हूँ बेटा प्रयास आप भी प्रयास करिए और यह प्रयास का परिणाम है कि आपको मैं छोटा ये टॉपिक बना करके तुरंत दे रहा हूँ तो आपका काम है सब्सक्राइब लोगों से करवाना ताकि हम लोग लाइव पढ़ सकें ओके बेटा बेस्ट आप ला फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ओके देट्स ऑल